अगर दोस्तों आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, अच्छा खासा दोस्तों आप लेन देन करना चाहते हो, तो ICICI बैंक के अंदर अपना एक घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट दोस्तों ओपन करने के लिए आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी जाने के लिए, ना तो ब्रांच आपको जाना पड़ेगा, घर बैठे अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट के अंदर आपको वीडियो KYC की फैसिलिटी मिल जाती है, जरिए वीडियो KYC के आपका सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाएगा। ICICI दोस्तों बैंक की तरफ से आपको तीन अकाउंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, पहला ICICI माइन अकाउंट, दूसरा स्टूडेंट सेविंग अकाउंट, तीसरा दोस्तों आपको कैंपस पावर सेविंग अकाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन तीनों अकाउंट आपको एक ही मिलेंगे और एक ही प्रोसेस से तीनों अकाउंट ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपको फाइनली लास्ट में हमने आपको बताया भी था, ICICI बैंक के अंदर एक आपको ऐसा अकाउंट मिलता है जहाँ पर आपको 15,000 रुपये अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखना होता है और इनिशियल फंडिंग आपको 20,000 रुपये की करनी होती है। लेकिन अब से दोस्तों अगर ICICI बैंक के अंदर ये वाला अकाउंट अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर इनिशियल फंडिंग आपकी बिल्कुल माफ कर दी गई, 1 रुपया दोस्तों आपको नहीं देना पड़ेगा और सक्सेसफुल आपका घर बैठे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये जो हम अकाउंट ओपन करने का आपको प्रोसेस बताएंगे, इसमें दोस्तों आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद में इसके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI बैंकिंग चालू कर पाओगे। अकाउंट ओपन करने के बाद इसकी वेलकम किट आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक मिल जाएगा और इसके थ्रू आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस को भी आप यूज़ कर पाओगे। अगर भाई ICICI बैंक के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना है जीरो बैलेंस, तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है और अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर हम इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ICICI बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे आपको सेक्शन मिलते हैं, जैसे अकाउंट, डिपॉजिट, पेमेंट, कार्ड, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, शॉप, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको एक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सेविंग अकाउंट आपको देखने को मिल जाता है, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो थोड़ा सा पेज को ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि ICICI बैंक की तरफ से आपको एक 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट और सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन फाइनली ये अकाउंट इस समय पर क्लोज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो अकाउंट में आपको इनिशियल फंडिंग करनी होती थी, बिना इनिशियल फंडिंग के आप अपने अकाउंट को ओपन कर पाओगे अगर आप चाहो तो। इसके लिए बस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आप यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं ओपन सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर कुछ परमिशंस ICICI बैंक की तरफ से अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पर अलाउ करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से यहां पर आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। हमारे केस में हम एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करेंगे, बाकी इस अकाउंट को आप भी ओपन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, देन इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि इस कॉलम में मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, तो एक ईमेल आईडी टाइप कर देंगे जो भी आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा, तो अपना पेन नंबर दोस्तों आप यहां पर टाइप कर देंगे और पेज आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, मोबाइल नंबर दोस्तों यहां पर शो हो जाएगा। देन वो वाली OTP आप इस बॉक्स में टाइप कर देंगे और आपकी एक ईमेल आईडी पर OTP जाएगी, वो वाली OTP दोस्तों आप इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप यहां पर इस बॉक्स में अपने आधार नंबर को आप टाइप करेंगे और जैसे दोस्तों आधार नंबर टाइप करने के आप नीचे देख सकते हैं सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, आप नीचे कॉलम देख सकते हैं जो आधार कार्ड के थ्रू OTP आएगी, वो OTP दोस्तों इस पेज में टाइप करेंगे और पेज आपका ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि डिटेल्स वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले RU स्टूडेंट के बारे में पूछा जाएगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रेस्ट करेंगे, वरना दोस्तों आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं इस कॉलम में प्लेस ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देना है, यानी कि जो भी जहाँ पर आपका पता है वो अपना बर्थ यहाँ पर टाइप कर देंगे। ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमने डिपेंडेंट सेलेक्ट करा हुआ है, बाकी आप क्या काम करते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऑक्यूपेशन टाइप के अंदर हमने यहाँ पर स्टूडेंट को सेलेक्ट करा हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम आप देख सकते हैं कि फंड फ्रॉम फैमिली,
यानी कि जो भी इनके पास इनकम आती है वो फैमिली के ही थ्रू आती है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इनकम रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इनकी इनकम हमने नील दिखा रखी है, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी इनकम को यहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि लास्ट कंप्लीटेड एजुकेशन, तो जो भी आपका, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपना एजुकेशन यहाँ पर आप जो टाइप करेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का मांगा जाएगा, वो भी आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ईयर ऑफ ऑन गोइंग कोर्स कम्प्लीट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको वो भी टाइप कर देना है। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नॉमिनी डिटेल एंड एक्यूपेशन का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नेम ऑन डेबिट कार्ड, तो जो भी आपके डेबिट कार्ड पर नाम प्रिंट होकर आएगा वो यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा। अगर अभी आप चाहो तो इस नाम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके पिताजी का नाम आपके आधार कार्ड के थ्रू ले लिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मदर से जब मैदर नेम, तो इसका दोस्तों मतलब होता है कि आपकी माता जी का विवाह के पहले क्या नाम था, वो नाम इस कॉलम में आप टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नॉमिनी रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना है तो ऐस करेंगे, अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, तो हमने यहां पर दोस्तों ब्लर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे और आप अपनी सिटी को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में बैंक की तरफ से आपको दो कंसेंट देखने को मिल जाएंगी, तो दोनों को दोस्तों आपको चेकआउट कर देना है, क्लिक कर देना है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। देन इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये वाला मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, कैलकुलेशंस का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको अकाउंट ओपन करते समय पर आपको पता होगा कि 20,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होती थी, वो फंडिंग आपकी माफ़ कर दी गई है। आप दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको 20,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग नहीं करनी है, बिना फंडिंग किए हुए आप एक घर बैठे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए ये बहुत काम की बात है। आप यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भी अभी तक आपने पूरे डिटेल्स को फिल करा है वो सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। पेज को जैसे दोस्तों ऊपर को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉक्स पर चेकआउट कर देंगे, बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक 6 डिजिट की OTP सेंड किया जाएगा, तो वो OTP दोस्तों इन बॉक्सेस में आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर बाद में OTP नहीं जाते तो रिसेंट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको दो तरीके के अकाउंट देखने को मिलते हैं। पहला दोस्तों ये वाला अकाउंट आपको मिल जाता है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर 95,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, जो प्योरली आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। बाद में आप चाहो अकाउंट ओपन करने के बाद में 95,000 रुपये दूसरे अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो आपको अकाउंट मिलता है, यहाँ पर 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन इसी अकाउंट के अंदर आपको 20,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होती थी, जो कि अभी हमने आपको बता दिया है कि आपकी इनिशियल फंडिंग माफ़ कर दी गई है, उसे ऑफ कर दिया गया है। आप मात्र इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर बिना इनिशियल फंडिंग के अकाउंट ओपन करेंगे, यानी कि 95,000 रुपये अगर फंडिंग नहीं करते हैं तो आपका ये वाला अकाउंट ओपन होगा, अगर 95,000 रुपये की फंडिंग कर देते हैं तो आपका ये वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। जो सा दोस्तों आपको अकाउंट ओपन करना है उस अकाउंट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम 95,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करने वाले हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 95,000 रुपये आ चुका है। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे, वैसे ऑप्शनल है, पेयर नेम आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे दोस्तों आप यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में आगे का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो हमें अमाउंट पे करना है वो 95,000 रुपये पे करना है, तो आपको दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। और फाइनली दोस्तों इसके बाद में देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर ICICI बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ चुका। अब ये चाहे तो अपने अकाउंट से 95,000 रुपये निकाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इसके बाद में आपको वीडियो KYC करना होगा, देन आपका सक्सेसफुल ICICI बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब अभी दोस्तों आपने देख लिया कि ICICI बैंक के अंदर घर बैठे हम जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। भाई यहाँ पर अगर आप 95,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करेंगे तो आपका स्टूडेंट सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा।
लेकिन वो जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा, इसके अंदर एक रुपया मेंटेन करके नहीं रखना होगा। अगर भाई आपके पास 95,000 रुपये नहीं है तो आप दूसरा वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इनिशियल फंडिंग आपकी माफ़ कर दी गई, अकाउंट के अंदर पैसा आपको मेंटेन करके रखना होगा लेकिन इनिशियल फंडिंग नहीं करनी होगी। आप चाहो दोस्तों ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप इससे बढ़िया अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोटक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये फुल जीरो बैलेंस अकाउंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।